Assalamu alaikum. Let me start with my introduction. I'm Asim Mehdi from Earth Intrigue. I'm currently operating a company here for fruit processing. The name is Shazde. So thank you so much all of you for coming over here. तो वो एक शेर है, शिकवे जुल्मत है शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शमा जलाते जाते। आज हम इसी सिलसिले में यहाँ पे जमा है। हम एक एसोसिएशन बनाना चाहते हैं जिसकी पूरी डिटेल वकास भाई और शान भाई आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग सारे इतने कम टाइम में और आप लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट असाइनमेंट के लिए आप लोग आए हुए हैं। टाइम क्योंकि हमारे पास कम है इसलिए मैं ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। चंद जो मोटी मोटी बातें हैं जो हमने यहाँ पे आप लोगों ने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में बनाई है, तो उसके हवाले से दो पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहली बात ये कि हमने डिफरेंट जो एसोसिएशन है उनकी जो लीगल फ्रेमवर्क था उसको देखते हुए ड्राफ्ट यहाँ पर बनाया। बेसिकली ये कोई फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, ये बेसिकली ये समझे कि फाउंडेशन है जिसकी बेस पर हमने काम शुरू करना है। तो आज ये हमारा एक तरह से ये समझे कि हमारे उस मंजिल की पहली सीढ़ी है। तो जिशान भाई ने कल आज पूरी रात भी ये जागते रहे हैं इसके ऊपर ड्राफ्ट, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिशान भाई की है, पूरी रात ये काम करते रहे। तो ड्राफ्ट की प्रेजेंटेशन प्रॉपर डिटेल आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन देंगे, उसके बाद उस ड्राफ्ट से रिलेटेड आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप तो अटेंटिव होकर एक तो प्रेजेंटेशन सुने, सेकेंडली जो जो क्वेश्चन आपके माइंड में आते हैं कोई भी आपको वहाँ पे कोई क्यूरी आती है उसको नोट करें, ताकि डीलिंग प्रेजेंटेशन क्वेश्चंस आप करेंगे तो फिर वो प्रोसेस लंबा होता रहेगा। तो आपको पेजेस हमने दिए हैं तो एक तो आप क्यूरीज नोट करें, सेकंड उसके बाद आखिर में एक ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन होगा, जो वीक पॉइंट्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई करेंगे, उनके ऊपर उनको नोट करेंगे। नोट करने के बाद आखिर में हमने एक कमेटी बनानी है, बेसिकली एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी बनानी है जो इस ड्राफ्ट को असली जो फाइनल स्टेज तक पहुंचा सके। उसके लिए हमने ये क्राइटेरिया सजेस्ट किया, बाकी आप लोगों की भी सजेशंस यहाँ पे आप लोग सजेशन दे सकते हैं। इस हवाले से जो कमेटी होगी वो एक रिप्रेजेंटेटिव कमेटी होगी, हर एंट्री की मिनिमम एक बंदे की रिप्रेजेंटेशन वहाँ लाजमी होगी, और वो जो एक बंदा है उसके लिए हमने ये रिकमेंड किया है कि वो बंदा रिप्रेजेंटेटिव हो, मतलब वो एंट्री की तरफ से चुना हुआ हो या एंट्री उसको रिकमेंड कर रहा है हमारे बिहाफ पे इस कमेटी का हिस्सा बन जाए। आज हमारी आप लोगों से गुजारिश होगी कि इस कमेटी का जितने एंट्रीज आप लोग आए हैं आप वॉलंटियरली मिनिमम तो एक हर एंट्री दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम जितने भी लोग आ सकते हैं वो मोस्ट वेलकम है, वो अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो आज जितने अवेलेबल हैं उनका हम नाम यहाँ पर लिस्ट करके उस बाकायदे कमेटी को फॉर्मुलेट करेंगे, बाकी जिन एंट्रीज की रिप्रेजेंटेशन नहीं है उनको भी फर्दर हम हर एंट्री से अप्रोच करके उनसे उनके एक रिप्रेजेंटेटिव ले लें। तो मैं जिशान साहब को इजाजत दूंगा, कहूंगा कि आगे प्रॉपर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रॉपर आपकी जो प्रेजेंटेशन है वो शुरू करें। और फर्दर में तमाम सीनियर्स को अस्सलाम वालेकुम भाईजान, और सबको वेलकम, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आप सबका कि जो है आप लोग आए हैं और मुझे मौका दिया है। ये एक छोटी सी जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाली थी तो हमने जो है एक चीज़ तैयार की है, हम आपको दिखा देंगे। अच्छा, स्टार्ट में ये एस्टेब्लिश करना चाहता हूं कि ये बेसिकली एक स्केलेटन है जिसके ऊपर जो है ना आपका ऑरा जो है ना एक एसोसिएशन बननी है। ये पूरा का पूरा जो है ना नल एंड वॉइड भी हो सकता है, और ये इसमें से कुछ अमेंडमेंट्स करके इसी को भी फाइनल किया जा सकता है। ये फाइनलाइज जिस तरह अवकास ने कहा कि ये जो है ना आप लोगों ने करना है, इस सेशन के एंड पे आप लोगों ने कमेटी बनानी है, वो कमेटी बन जाएगी तो वो फिर आगे फर्दर जो है ना लेके चलेगी। हमने सिर्फ उसके लिए एक जो है ना एक आइडिया देना है किसी की वो आपने करना क्या है। तो हमने कोई अभी तक नेम फाइनलाइज नहीं किया, हम इनिशियली कह रहे हैं जी अलुमनाई एसोसिएशन कैडेट कॉलेज कर दो। तो ऑर्गेनोग्राम पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ये जो है ना एक हमारा टेंटेटिव जो है ना ऑर्गेनोग्राम, तो इसमें अभी हम लोगों ने इसको किस चीज को रेफरेंस बना के रखा है, इसमें हमने सबसे पहले हमने क्या किया कि हमारे कुछ सीनियर्स ने पहले से ही कुछ थोड़ा सा काम किया हुआ था इस पे, हमने उसको भी रखा सामने अपने। उसके अलावा कुछ जो हमारे प्रेस्टीजियस इंस्टीट्यूशन है जैसे नस्ट है, अच्छा लम्स है, और इस तरह के, फिर हमने एक वेस्टर्न जो है ना एक यूनिवर्सिटी का जो है ना हमें अच्छा लगा वो जो है फायदा उनके, तो उसको हमने सामने रख के जो है ना एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया है और वो बायलॉज भी हमने उसको। तो अब जो है ना आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं एक पिरामिड शेप में, पैटर्न एंड पैटर्न इन चीफ। पैटर्न हर जो है ना इदारे का मुख्तलिफ तरीके से बनाया हुआ है, बाज़ लोगों ने जो प्रोविंस का जो है गवर्नर को पैटर्न बनाया हुआ है, पैटर्न इन चीफ जो है ना उन्होंने वी सी को बनाया हुआ है, तो वो वेरी करता है। हमारे जो सीनियर्स ने बनाया तो उसमें उन्होंने पैटर्न की जगह पे जो है ना
जो है ना चीफ सेक्रेटरी को रखा हुआ था और बटालियन चीफ की जगह पे कमांडर जो है ना 62 ब्रिगेड को रखा हुआ था, ठीक है। प्रिंसिपल के लिए भी उन्होंने एक अलग से सीट रखी हुई थी, लेकिन वो डायरेक्टली जो हमारी कोर ऑर्गेनाइजेशन है ना, एसोसिएशन है ना, उसके साथ वो लोग डायरेक्टली कंसर्न नहीं है, ठीक है। उनको एक एजाजी एक समझें कि आप एक वो निर्बत दिया हुआ है। तो जो हमारी एसोसिएशन है ना, उसकी मेन बॉडी आप देख लें, तो इस स्ट्रक्चर को आप जब देख लें कि जो एसोसिएशन है उसका जो इसको हेड कर रहा है या उसको लीड कर रहा है जो फेस है एसोसिएशन का, वो प्रेसिडेंट है, उसको असिस्ट कर रहा है वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। और फिर आप नेक्स्ट देख रहे हैं क्लब, सोसाइटीज, कैबिनेट और स्पेशल असिस्टेंट्स, ठीक है। अब ये लोग कैसे क्लब्स बनेंगे, सोसाइटीज कैसे बनेंगी, कैबिनेट कैसे बनेगी और जो है स्पेशल असिस्टेंट्स किधर से आएंगे, ये सारा बायलॉज के अंदर जो है ना हमने इसको डिफाइन कर दिया है। फिर देख रहे हैं जो सब रेड जो हमारा एग्जीक्यूटिव कमेटी जो हमारे सेंट्रल जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो पूरा हमारी एसोसिएशन का जो ड्राफ्ट हमने बनाया इसका जो कोर या हार्ट समझ लें ये एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है ना। इसको रेड कलर किया, ये इसको हम कलर्स को मैं आगे आपको डिफाइन कर देता हूँ कि रेड से मुराद हमारा है कि इलेक्टेड मेंबर है, ठीक है ना। तो ये जो कमेटी है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी, ये बेसिकली आपकी असेंबली की तरह है, ये जो है ना डायरेक्टली इलेक्टेड लोग हैं, ठीक है। ये लोग फर्दर जो है ना ऊपर जितनी जो स्ट्रक्चर है ना उसको नॉमिनेट कर रहे हैं या सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद है, अच्छा एग्जीक्यूटिव कमेटी को हम अभी फर्दर एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद है जनरल बॉडी। जनरल बॉडी में बेसिकली जो हमारे पास ओवरऑल जितनी भी हमारे जो कैडेट्स हैं जो कि कैडेट कॉलेज कद्दू से ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो जो है ना जनरल बॉडी के मेंबर्स होंगे, यानी इस वक्त हम सब जो है ना जनरल बॉडी के मेंबर्स होते हैं। कुछ चीज़ें और देख रहे हैं, लुमिनरीज, ऑनररी मेंबर्स और चैप्टर्स। लुमिनरीज कौन है? लुमिनरीज वो लोग हैं, ये जो है ना हमने मुख्तलिफ जो बायलॉज देखे हैं एसोसिएशंस के उसको देख के हमने ये चीज़ें डाली हैं। लुमिनरीज कैसे कौन लोग हैं? हम समझते हैं कि मतलब हमारी एसोसिएशन, हम समझते हैं कि जो हमारे जो चीफ जस्टिस हैं ये अपेलेट कोर्ट के, हम समझते हैं कि यार कि उसको हम किसी तरह इस कार्रवाई में इन्वॉल्व करें, अपनी एसोसिएशन में इन्वॉल्व करें, ताकि हमारे एसोसिएशन को उससे कोई ना कोई बेनिफिट हासिल हो रहा हो, हमें ऐसा नज़र आ रहा है। तो हम उसको जो है ना एक टाइटल दे देते हैं लुमिनरी का, ठीक है ना, लुमिनरी फॉर जो है ना क्या कहते हैं अलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है। इस तरह जिस तरह हम लोग इंटेलेक्चुअल्स जैसे हम ऐड करना चाहते हैं, ठीक है, कोई फिलासफर शायर किस्म के लोग ऐसे ऐड करना चाहते हैं, तो हम उनको एक लुमिनरी का टाइटल दे के हम उसको ऐड करेंगे। ऑनररी मेंबर्स ऐसे लोग हैं जिनकी एसोसिएशन के लिए या हमारे एसोसिएशन के थ्रू कॉलेज के लिए बहुत ज़्यादा जो है कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि कोई एक बहुत बड़ा डोनर है, वो जो है एक बड़ी अमाउंट डोनेट करता है एसोसिएशन के लिए या कॉलेज के लिए एसोसिएशन के थ्रू, हम उसको जो है ना एक रिगार्ड देने के लिए, उनको एक रिस्पेक्ट देने के लिए उसको एक ऑनररी जो है ना मेंबरशिप देते हैं बेसिकली। फिर है चैप्टर्स वो इसे मसलन चैप्टर्स का हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन चैप्टर्स से सरसरी मुराद ये कि मसलन कैडेट कॉलेज के एक खास नंबर के स्टूडेंट्स है ना इस्लामाबाद में, कराची में, लाहौर में, ओवरसीज कोरिया में, जापान में, कहीं पे भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो वहाँ पर एक अलुमनाई एसोसिएशन का एक चैप्टर जो है ना इनिशिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो चैप्टर्स आ गए। फिर है लास्ट है डायरेक्टर ऑफिस ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन। ये जो प्रेसिडेंट से लेके ऑनररी मेंबर्स तक जो भी स्ट्रक्चर है ना, ये बेसिकली हम लोग हैं, ठीक है ना, ये हम लोगों ने करना है। और जितनी भी जितना काम है, जितनी भी डिसीजन है, ये हम लोगों ने लेने हैं, इन लोगों ने लेने हैं। ये जो लास्ट में इसलिए हमने ब्लू कलर किया कि डायरेक्टर ऑफिस ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन, ये बेसिकली रिप्रेजेंटेटिव है कैडेट कॉलेज कद्दू का, ठीक है ना। कैडेट कॉलेज कद्दू हमने बायलॉज में ये मेंशन किया, कैडेट कॉलेज कद्दू एक बराए नाम ही सही एक ऑफिस जो है ना वो अनाउंस करेगा कि जी ये ऑफिस ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन है, ठीक है ना, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफिस होगा अलुमनाई एसोसिएशन का। तो कैडेट कॉलेज कद्दू की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव होगा ना, उसको हमने टाइटल दे दिया जी डायरेक्टर ऑफिस ऑफ अलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है। इसका हमारी जो ओवरऑल एक्टिविटीज से या डिसीजन मेकिंग से कोई डायरेक्टली ताल्लुक नहीं, ठीक है। आप लोग पॉइंट्स नोट करते जाएं, आपको जहां पर भी कोई कंफ्यूजन होना आप लोग लास्ट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये हो गया ओवरऑल एक स्ट्रक्चर। मैं अब इसमें जो फर्दर चीजें ना उसको ब्रेक करता हूँ, आपको समझाता हूँ। हमने यहाँ पर देखा था, मैंने कहा था एग्जीक्यूटिव कमेटी, ठीक है ना।
जो सेंट्रल में है और इलेक्टेड लोग होंगे, तो उसको हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पर। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी, आप देखें MEC से मुराद है यहाँ पर मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी। ये जो है ना टर्मिनोलॉजी चेंज हो सकती है, आप कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, आप चेंज कर सकते हो इस चीज को। तो इस वक्त तक टोटल कोई 16 जो है ना इंट्रीज निकल चुकी है ग्रेड कॉलेज की। तो हमने जो रिसेंट 4 जो इंट्रीज है ना, उनको इस एग्जीक्यूटिव कमेटी एसोसिएशन के लोग वो होंगे, जनरल बॉडी में वो लोग शामिल होंगे, लेकिन जो रिसेंट 4 इंट्रीज होंगी ना, वो इलेक्ट नहीं हो सकते हैं, वो इलेक्शन में हिस्सा पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं और एग्जीक्यूटिव कमेटी में वो शामिल नहीं हो सकते हैं। उनको छोड़ के जो बाकी हमारे पास 12 एंट्रियां हैं, ठीक है ना, उन सब का एक एक मेंबर, हर एंट्री के अंदर जो है ना इलेक्शंस होंगे और इलेक्शंस के थ्रू एक एक मेंबर जो है ना वो इलेक्ट होगा और एग्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर शामिल होगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर ये कर सकते हैं, ऑप्शन ये है कि हर एंट्री 2 मेंबर्स को इलेक्ट करें, ठीक है, ये आप ये आगे जो है कमेटी जो बनेगी वो डिसाइड करेगी वो किस तरह होगा, लेकिन हम क्योंकि बेसिक समझना चाह रहे हैं, हमने कहा हर एंट्री का एक एक रिप्रेजेंटेटिव जो है ना वो इलेक्टेड मेंबर होगा और वो एग्जीक्यूटिव कमेटी में शामिल होगा। तो हमारी अगर इस वक्त 12 एंट्रियां हैं तो 12 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान होंगे और ये इलेक्टेड मेंबर्स हैं और ये एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है ना सेंट्रल जो है ना बॉडी है या जिसको कहते हैं हार्ट एंड माइंड है जो है ना हमारी और एसोसिएशन। तो ये स्ट्रक्चर, ये जो ब्लू जो हमने डायग्राम बनाया हुआ ना, ब्लू एरिया के अंदर जो लोग हैं ना, ये बेसिकली कैबिनेट है, ठीक है, इस प्रेसिडेंट की कैबिनेट है। तो इसमें जो मेंबर्स हैं ट्रेजरर बेसिकली उसके दो किस्म के, इसको मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन में किसी ने इसको रजिस्ट्रार कहा है, किसी ने इसको ट्रेजरर कहा है, ठीक है। हम इस ट्रेजरर की हेडिंग पे हम जो है दो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अंडरस्टैंड करते हैं। पहली रजिस्ट्रार के तौर पे कि रिकॉर्ड्स मेंटेन करना, मिनट्स ऑफ मीटिंग, अच्छा पीरियडिकल्स आपके, अच्छा जितने भी इस तरह की रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना वो ट्रेजरर है, ट्रेजर कर रहा है। दूसरा है VP प्लेसमेंट हमारा एक फिर दूसरा जो उसका टास्क है ना वो जैसे नाम से जाहिर होता है कि फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीज़ें, ये मैंने बायलास में सारा डिटेल डाला हुआ है क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो जो है ना ट्रेजरर की जिम्मेदारी है। बेसिकली वो एक एज अ ट्रेजरी से रिलेटेड एंड फाइनेंस से रिलेटेड और एज अ रजिस्ट्रार भी दोनों चीज़ें कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है VP प्लेसमेंट। VP से प्लेसमेंट ये हमने थोड़ा डायग्राम कॉपी किया है नस्ट का, ठीक है ना। प्लेसमेंट VP वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट बेसिकली। तो VP प्लेसमेंट क्या है, हम ये देखते हैं कि हमारे कैडेट्स जो है ना कैडेट कॉलेज से निकल आते हैं, ठीक है, पास आउट हो जाते हैं, उसके बाद फिर उनको पता नहीं होता उन्होंने क्या करना है, ठीक है। अच्छा, या मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ये जॉब से रिलेटेड है, जो है ना जो ग्रेजुएट हो गए उसकी जॉब प्लेसमेंट के हवाले से हमारे कॉलेज की तरफ से कोई हमें जो है ना असिस्टेंट नहीं होती है। इसके बरक्स हमने काफ़ी यूनिवर्सिटीज का देखा है, कॉलेजेस का देखा है, उनको 4-5 साल जॉब मिलने के 5-5 साल बाद भी उनको मेल्स आ रही होती हैं उनके इदारे की तरफ से कि यहाँ पर ये आपकी जो एजुकेशनल जो क्वालिफिकेशन है उससे एक्सपीरियंस से रिलेटेड ये पोस्ट जो है ना यहाँ पर खाली है, ठीक है। तो एक ऐसा बंदा होगा VP प्लेसमेंट वाइस प्रेसिडेंट प्लेसमेंट जो कि उन तमाम लड़कों को जो जॉबलेस हैं, ठीक है ना, वो हेल्प करेगा, उसके सोशल मीडिया अकाउंट्स होंगे उसके थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार कि वो मतलब अखबार देखे कि जहाँ पर क्या पोस्ट आ रही है, वेबसाइट चेक करता रहे, तो ये जो है ना बेसिकली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कैडेट जो है ना उससे कंसल्ट करें कि यार हमारी प्लेसमेंट के कहीं जॉब हमें नहीं मिल रही उसके हवाले से। थर्ड है VP एंगेजमेंट। अच्छा, मैं इस पर लास्ट पे आता हूँ, ठीक है। VP पब्लिक रिलेशंस, नाम से जाहिर है कि जो इसका मीडिया विंग बेसिकली है ना एसोसिएशन का मीडिया विंग, VP जो है ना पब्लिक रिलेशंस जो मेंटेन करेगा, इसमें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। फिर VP एंडोमेंट। VP एंडोमेंट से मुराद हम बेसिकली फंड ले रहे हैं, ठीक है, कि वो ऐसे कैडेट्स जो कि बेशक कैडेट कॉलेज कल्लू के अंदर या कैडेट कॉलेज कल्लू से पास आउट होने के बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं लेकिन उनको स्कॉलरशिप हासिल करने में मसाइल हैं, उनकी फ़ीस वगैरह के हवाले से फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हैं, तो उनके लिए जो है ना तमाम ऐसे रिसोर्सेज अवेल करना, ऐसी चीज़ों के बारे में उनको आगाह करना कि जहाँ से वो कोई स्कॉलरशिप अवेल कर सकें, दोनों के लिए, एक तो वो उन कैडेट्स के लिए जो कि कैडेट कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हैं और एक उन कैडेट के लिए भी जो कि कैडेट कॉलेज से ग्रेजुएट हो चुके हैं यानी किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में। फिर है
वीपी इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट। अच्छा, ये और जो है ना वीपी एंगेजमेंट, ये जो है दो की पोजीशंस हैं, वो इस हिसाब से कि हम देखते हैं कि हेड कॉलेज कटू के अंदर क्या होता है कि हम गवर्नमेंट के थ्रू जो है ना प्रोजेक्ट्स लगते हैं। हम 5 साल हमने हेड कॉलेज में गुजार लिए, एक प्रोजेक्ट जो है ना उसकी अगर एक दीवार खड़ी थी तो 5 साल में उसकी जो है ना 4 दीवारें खड़ी होती, उसके बाद कुछ भी नहीं होता। वो प्रोजेक्ट्स जो 2011 से पेंडिंग थे अभी भी पेंडिंग है, तो हम लोग रिलाई कर रहे हैं बेसिकली गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट कोई फंडिंग लाएगी तो कुछ करेगी। ठीक है, तो वी पी इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट वो तमाम एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा जिसके ज़रिए वो बेशक डोनेशंस लाए, NGOs के से इंगेज करे, या जो हमारे एलुमनाई है उसको इंगेज करे, किसी भी तरह क्रेडिट कॉलेज कर्दू के लिए जो है ना फंडिंग्स जनरेट करें। ठीक है, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स के लिए, उसके अंदर इनिशिएटिव्स के लिए, लाइब्रेरी के प्रोजेक्ट्स के लिए, किसी किस्म के भी प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग जनरेट करे, डोनर्स को लेके आए, अच्छा उनको हम ऑनरी मेंबर्स बनाए। ये जो है ना बेसिकली काम है वीपी इंस्टीट्यूशनल एडवांसमेंट का। अच्छा, फिर लास्टली वीपी एंगेजमेंट, ये तो सारी जो चीज़ें थी ना वो थी एसोसिएशन से रिलेटेड। अब वो जो इशू जो हम लोग फेस कर रहे हैं ना, हम लोगों में हर किसी को ये बार इस बात का दुख है कि यार कि हमारा कॉलेज क्या हो रहा है, बदनाम हो रहा है, कि 3 स्ट्राइक्स हो गई। ठीक है ना, इस दफ़ा जो है ना रैली भी निकाल दी उन्होंने। तो ये इस बंदे का काम बेसिकली इंगेज करना है क्रेडिट कॉलेज कर्दू के अंदर जो क्रेडिट्स है ना उनको। ठीक है, चाहे उनके प्रोग्रेस वगैरह को करता है, या जो है ना जाके क्रेडिट्स लेवल पे जो है ना जाके उनको इंगेज करता है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये जो स्ट्राइक्स वाला जो रुझान है ना वो प्रीएम्प्ट हो जाए, यानी उसको हम प्रीएम्प्टिव मेजर्स लें। ठीक है, आपको मैं इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ शेयर करता हूँ कि हमारी एडजुटेंट से बात हुई, तो एडजुटेंट कहता है यार कि मुझे हैरत है, हमने जो स्ट्राइक होने से 4 दिन पहले हमने जो मुख्तलिफ डेजिग्नेशन या पोस्ट के लिए हमने जो है ना इंटरव्यूज कंडक्ट किया, तो इंटरव्यूज में हमने पूछा यार कि आपके ख्याल से जो है ना क्रेडिट कॉलेज के अंदर क्या मसाइल हैं। तो अब ये मैं उसका नैरेटिव बता रहा हूँ, इसमें हकीकत अल्लाह जाने बेहतर। तो उसका वो कहता है कि किसी भी कैडेट ने कोई एक भी इशू हाईलाइट नहीं किया। ठीक है, किसी भी कैडेट ने कोई एक भी इशू हाईलाइट नहीं किया और 4 दिन बाद उन्होंने इतनी बड़ी स्ट्राइक की। सच क्या अल्लाह जाने बेहतर है, लेकिन हम ये समझते हैं कि अगर हम कैडेट कॉलेज के अंदर थे और हमसे आके एडजुटेंट पूछता हाँ जी तुम्हें क्या लगता है मसला, तो मैं कभी भी नहीं बताता। ठीक है, क्योंकि मैं डरता हूँ यार ये कहीं मेरे ऊपर इसके रिपरकशंस ना हो। तो वो बनिस्बत एक एजुटेंट और प्रिंसिपल के एक एक्स क्रेडिट के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, उसको बता सकता है कि यार ये इश्यूज हम फेस कर रहे हैं। तो वो जो एक्स क्रेडिट होगा वो जो है ना जो वीपी जो है ना इंगेजमेंट है वो फिर जाके यही चीज़ जो है ना डिस्कस करे एसोसिएशन के साथ या कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और फिर इस तरह के जो इवेंट्स है ना उसको प्रीएम्प्ट किया जा सके, उसको जो है ना होने से पहले रोका जा सके। तो ये जो है ना बेसिकली उसकी काबिना है जिसको कैबिनेट है, हमने आपको बताया। अच्छा, अब अगर आपके पास मोबाइल्स में खुले हैं तो यहीं से हम कंटिन्यू करते हैं, इस साइड पे हैं रूम के पास। ठीक है, अच्छा तो अब आपने आप इसमें देखे होंगे कि जो इसको थोड़ा सा ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन थोड़ा कम्प्लेक्स है। इसमें हमने बहुत सख्त चेक एंड बैलेंसेस रखे हैं ताकि किसी एक ये प्रेसिडेंट की मोनोपोली ना हो। ठीक है, किसी एक बंदे की मोनोपोली ना हो, और इसके अंदर हमने ऐसे प्रोविजंस रखे हैं बायलॉज में, मैं आपको बताऊंगा कि जिसके ज़रिए प्रेसिडेंट की जो पोस्ट है ना या वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट है कभी भी कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकेगा। मैनिपुलेशन इस सेंस में यार कि मैं प्रेसिडेंट बनता हूँ, कल को मैं BOGs की मीटिंग में बैठूंगा, चीफ सेक्रेटरी के साथ मेरे ताल्लुकात होंगे, बाहर ब्रिगेड वाले के साथ मेरे से ताल्लुकात होंगे, फिर कमिश्नर के साथ ताल्लुकात होंगे, तो इस लालिश में लोग जो है ना आगे आने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, वो जो है ना मुख्तलिफ कार्ड यूज करेंगे सॉरी टू से। ठीक है, और वो जो है ना इलेक्शन जीतने की कोशिश करेंगे। तो हमने प्रेजिडेंट के रोल को और उसकी काबिना के रोल को इतना सख्त बनाया है, प्रेजिडेंट के रोल को इतना सख्त बनाया है कि प्रेजिडेंट बनना बेशक शायद वो बन जाए लेकिन उसको चलाना जो है ना उसके लिए मतलब फुल टाइम एक जो है लाइब्रेरी और बहुत जो है डेडिकेशन चाहिए होगी। तो आप इस स्ट्रक्चर को ज़रा देखो तो आपको समझ आएगी यहाँ से ना कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर ये तीनों ग्रीन कलर्स में हैं। ठीक है ना, पी प्लेसमेंट को दिया हुआ है, हो सकता है वो पीपी इंडोमेंट को जो है ना अपनी काबिना का मेम्बर बनाए फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कमेटी। ठीक है, तो एटलीस्ट 3 बंदे उसने उठाने हैं कहाँ से, अपनी क्या कहते हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी से। तो
तो चार बंदे हो गए पूरे काबिना के, चार बंदे हो गए। अब नेक्स्ट जो है ना, दो हमने लाइट ग्रीन कलर में शो किए हैं, ठीक है, पोर्टफोलियोस चेंज हो सकते हैं। तो लाइट ग्रीन कलर में क्यों क्यों शेयर किए हैं, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि एक प्रेसिडेंट समझता हो कि एक जो है ना 13 एंट्री का बंदा है जो कि एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके पास कोई ऐसी स्किल है या उसके पास ऐसी नॉलेज है या उसके पास ऐसा कोई रिसोर्स है जो इस एसोसिएशन के लिए या उसकी एक्टिविटीज के लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है। तो अब उसने उसको अपनी काबिना का हिस्सा नहीं कोई किसी तरह बनाना है या अपने साथ किसी तरह मिलाना है, तो वो क्या करेगा कि वो जो है ना ओवरऑल हमारी जितनी भी जनरल बॉडी है यानी जितने भी कैडेट्स हैं उनमें से किसी भी दो बंदों को जो है ना वो डायरेक्टली सेलेक्ट करके ला सकता है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा कि वो जो है ना कोई भी टेक्निकल एक्सपर्टीज रखने वाला या कोई ऐसा जो फंडिंग ला सकता है, ऐसा कोई भी बंदा जो है डायरेक्टली ला सकता है, ठीक है। तो अगर किसी के जहन में ये है यार कि हमने एग्जीक्यूटिव कमेटी में हर एंट्री से एक बंदा कर दिया है तो बाकी जो एक एंट्री में दो तीन और काबिल बंदे हो सकते थे वो ज़ाया हो गए, वो यहाँ पर आपको नजर आएगा। देखो कि एक बंदा तो डायरेक्टली इलेक्ट होकर आया है हर एंट्री से, तो प्रेसिडेंट है ना उसके पास ये इख्तियार है कि वो जो है ना दो बंदे जो है ना अपनी मर्जी से सिलेक्ट करके ला सकता है और अपनी काबिना का हिस्सा बना सकता है, ठीक है। उसके बाद है स्पेशल असिस्टेंट्स। हमने यहाँ बायलाज में डाला है कि एक प्रेसिडेंट समझता है यार कि मुझे फिलाना सब्जेक्ट के लिए जैसे कि साइंस साइंटिफिक डेवलपमेंट में एक पोजीशन देता हूँ साइंटिफिक डेवलपमेंट के लिए जो है ना, उसने समझा कि यार कि मुझे एक स्पेशल असिस्टेंट की ज़रूरत है। लेकिन जो कैबिनेट की जो हमने पोर्टफोलियोज बनाए हैं उसमें साइंटिफिक डेवलपमेंट का जो है ना कोई पोर्टफोलियो मौजूद ही नहीं है, ठीक है, तो वो अपने लिए एक एडवाइज़र जो है ना वो सिलेक्ट कर सकता है, ठीक है। लेकिन हमने ये ब्लू एरिया से इसको बाहर रखा है क्योंकि कल को वो किसी भी वोटिंग, वो एडवाइज़र जो है ना वो किसी भी वोटिंग में या किसी भी प्रोसेस में शामिल नहीं होगा, उसका या किसी कमेटी का सदर भी नहीं होगा वो, उसका काम सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के साथ ताल्लुक है, उसका प्रेसिडेंट को एक एडवाइस दे सकता है। तो अगर आपको ये फिर वही बात आती है कि अगर किसी एंट्री में चार पाँच और काबिल लड़के थे वो मिस हो गए थे, ठीक है ना, क्योंकि हर एंट्री से सिर्फ एक बंदा आ रहा है तो वो यहाँ पर कवर हो जाता है दो एडवाइज़र के थ्रू और तीन जो है ना स्पेशल असिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा आपको, लेकिन मेरे ख्याल से आप लोग इस पर मजीद देख सकते हो। हाँ, जो अच्छा ये हम अब सवाल ये कि हमने ऐसा क्यों किया कि यार कि तीन बंदे लाजमी जो है ना उस कमेटी से हों, एग्जीक्यूटिव कमेटी से, और दो बंदे लाजमी बाहर से हों, वो इसलिए है क्योंकि हमने अगर हमारे पास कमेटी एग्जीक्यूटिव कमेटी है 12 मेम्बरान की, हमने ये प्रोविजन रखी हुई है कि आपने कोई भी ला लाना है या कोई भी चीज़ करनी है तो आपको एग्जीक्यूटिव कमेटी में जाना है प्रेसिडेंट ने और वहाँ से पास कराना है उस चीज़ को। पास कराने के लिए आपको 2/3 मेजोरिटी चाहिए, ऐसा ही है। अब अगर प्रेसिडेंट क्या करता है कि प्रेसिडेंट ये करता है कि प्रेसिडेंट खुद है, वाइस प्रेसिडेंट अपना कोई खास बंदे को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया और ये जो 5 के 5 6 के 6 पोर्टफोलियोज है ना वो ऐसे बंदों को दे दिए जो कि उसने अपने पसंद के बंदे होंगे, ठीक है, वो उसके साथ लॉयल होंगे। तो टोटल मेंबर्स हैं 12, 6 तो 7, 8 तो बंदे तो उसने आज कर लिए, तो 2/3 मेजोरिटी तो उसके पास ऑलरेडी आ गई। अब बाकी जो मेंबरान है ना वो कभी भी इस क्या कहते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ अगर ये प्रेसिडेंट अंडर परफॉर्म करता है या कुछ गलत करता है, लास्ट के खिलाफ जाता है, तो उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो हमने उससे बेसिकली यहाँ पर एक तरह से 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे छीनी है और वो हमने इख्तियार दिया है एग्जीक्यूटिव कमेटी को, वो अपनी परफॉर्मेंस की बुनियाद पे एग्जीक्यूटिव कमेटी के लोगों को जीते और उनकी रजामंदी हासिल करे और उस बुनियाद पे अपनी 2/3 मेजोरिटी को इंश्योर करे, ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक चेक एंड बैलेंस है, ठीक है। तो ना बिल्कुल प्रेसिडेंशियल मॉडल है, ना ही बिल्कुल जो है ना जिसको आप कहते हो पार्लियामेंट्री मॉडल है, ठीक है, ये एक मिक्स है, दोनों का एक बैलेंस चीज़ है। तो नेक्स्ट मैं टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं आगे। क्लब्स एंड सोसाइटीज़, हमने पहली आप स्लाइड पे चले तो आपको हमने कहा था यहाँ पर कि वाइस जो है ना मुख्तलिफ क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होंगी, तो उसको हम थोड़ा एक्सप्लेन करें। उसके साथ इस कैबिनेट आ गया, हाँ, तो क्लब्स एंड सोसाइटीज़, ठीक है। तो कोई भी क्लब एंड सोसाइटी, मुख्तलिफ किस्म की क्लब एंड सोसाइटीज़ होती हैं अलुमनाइज़ की जो है ना, वो उनकी अपनी आपस की जो इंटरेक्शन के लिए भी होती हैं और कॉलेज की
फला बहबूद के लिए भी होती हैं। तो अब ये मैंने जो है ना एग्जांपल्स दिए हैं किस किस्म की होती हैं, जैसे कि करियर काउंसलिंग की हो सकती है, किसी चैरिटी के लिए लम्स वालों की हो सकती है, नस वालों का कोई सोसाइटी हो सकती है, अच्छा स्पोर्ट्स की कोई हो सकती है, आर्म फोर्सेज वालों की हो सकती है, कोई साइंटिफिक सोसाइटी हो सकती है, ठीक है। तो कोई भी सोसाइटी एग्जिस्ट कर सकती है, उसका एक क्राइटेरिया हमने बायलॉज में डाला हुआ है। कोई भी सोसाइटी आपने बनानी है उसको कॉलेज के नाम के साथ एलुमनाई के नाम के साथ एसोसिएट करना है, उसका तरीक़ाकार ये क्या होगा वो हमने बायलॉज में डाल दिया है। आप विद द अप्रूवल ऑफ एग्जीक्यूटिव कमेटी ही किसी एसोसिएशन को जो है ना एफिलिएट कर सकते हो इस एसोसिएशन के साथ, और फिर जो है ना उस नाम को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। ये हम आप बायलॉज पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। फिर है चैप्टर्स। चैप्टर्स मैंने पहले जिस तरह कहा कि हो सकता है हमारे 40-50 या 100-150 जो है ना लड़के जो है ना इस्लामाबाद में रहते हों, लाहौर में रहते हों, कराची में रहते हों, तो वो रीजनल या जो है ना इलाकाई सतह पे कोई चैप्टर्स बना सकते हैं, ठीक है। तो हम ये उम्मीद रखते हैं यार कि इसी दिन हमारे जो है ना बाहर के ममालिक में हमारे जो है ना ग्रेड ज़्यादा होंगे तो वो कोई अवर चीज़ जो है ना किसी भी मुल्क में चैप्टर बना सकते हैं। उसका हमने बायलॉज में डाला हुआ है कि एटलीस्ट इतने मेम्बर्स होने चाहिए, ठीक है, एन नंबर ऑफ क्रेडिट्स होने चाहिए, और वो जो है ना एग्री करें हमारे इस बायलॉज को, ठीक है। फिर अपना स्ट्रक्चर बना के कोई भी वो अप्रूवल के लिए हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी को जो है ना उसके साथ कॉन्टेक्ट करें और एग्जीक्यूटिव कमेटी उसका अप्रूवल दे, तब जाके वो जो है ना हमारे लिए ऑथेंटिक है और वो हमारी एसोसिएशन के नाम को यूज़ कर सकते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर था हमारी एसोसिएशन का। अब नेक्स्ट ईयर तो ये जो है ना डायरेक्टर का मैंने पहले आपको बताया कि ये बेसिकली एलुमनाई से ताल्लुक नहीं है इसका ना, ये हम एक लियाज़न ऑफिसर कहें या जो भी कहें ना, एक क्योंकि हम लोग की वैलिडेशन के लिए ना एसोसिएशन की वैलिडेशन के लिए कॉलेज का एक पार्ट है, ठीक है, उनका एक रोल होना चाहिए, हमारा उनके साथ एक ताल्लुक होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए, तो उसका इस एसोसिएशन के मामला के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, ठीक है। कॉलेज अपने अंदर जैसे वो नहीं था होता आर्ट्स जो है ना काउंसिल, साइंस काउंसिल या एडवेंचर काउंसिल जो भी, तो उस तरह का एक जो है ना एक ऑफिस क्रिएट करे जिसको नाम दिया जी ऑफिस ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है, जो कि हमारा प्रिंसिपल ऑफिस होगा, ठीक है। कॉलेज की तरफ से एक नुमाइंदा होगा, कोई भी टीचर या कोई भी शख्स जो वहाँ पर मौजूद होगा, हम जब जाएंगे या हम किसी एक्टिविटी में कॉलेज से हमें असिस्टेंस चाहिए तो हम बजाय प्रिंसिपल को कॉल करें, वाइस प्रिंसिपल को कॉल करें, हम उस बंदे को कॉन्टेक्ट करेंगे, उसको जो है ना वो उसको नाम डेजिग्नेशन जो भी दे रहे हैं हमने ये लिख लिया है डायरेक्टर ऑफ ऑफिस ऑफ एलुमनाई एसोसिएशन, ठीक है। तो एक ब्रिज है, एक फैसिलिटेटर है, उसके अलावा उसका रोल नहीं है, ठीक है। ये और जो है ना एक ऑर्गेनोग्राम है, अब मजीद आपको टाइम मिलेगा इस पर आप मैं ड्राफ्ट जो है ना उसके साथ हमने शेयर किया, उसमें मैं इसको सिंपली एक दफ़ा आपको गो थ्रू करा देता हूँ। तो ये विंडोज रजिस्टर नहीं करती है, बात अच्छी रजिस्टर विंडोज है तो मुझे अच्छा। अब ये है जी एलुमनाई एसोसिएशन बायलॉज, ये अब आपको जो टाइम मिलेगा ना इसमें आपने इसको डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो अभी बेसिकली ये होगा कि हम जब ये तैयार करेंगे इंशाल्लाह हमारी कोई कमेटी शमेटी बन जाएगी और कोई बायलॉज बन जाएंगे और फिर हम लोग किसी को इलेक्ट कर लेंगे, तो वो बेसिकली पहले रजिस्टर होगा और वो होगी थ्रू POGs होगी, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग हमारी दूसरे तमाम एसोसिएशन कैसे जो है वजूद में आई उसको लेके हमने किया, तो उसमें हमने कहा यार कि रिकग्नाइज बाई द POGs ऑफ द क्रेडिट कॉलेज कर्दू आर्टिकल XYZ अप्रूव्ड डेट जो भी डेट होगी, ठीक है। तो ये मतलब वहाँ से वो उसके बाद मिशन एंड पर्पज है, ये जो बाकी कहानी है ना ये आप लोग पढ़ लें, ठीक है। अच्छा एनुअल गैदरिंग्स हैं, राइजिंग डे है, अच्छा नए रिलेशंस ऑफिस है उसकी क्या जो है ना मॉडलिटीज़ हैं, वो उसके क्या प्राइज हैं, वो सारी चीज़ें ऑफिस बियरर्स से मुराद वो जो हमने स्ट्रक्चर में कैबिनेट में बताया था ना कि प्रेजिडेंट होगा, वाइस प्रेजिडेंट होगा, उसकी काबिना होगी, उसमें रजिस्ट्रार होगा, VP इंगेजमेंट होगा, VP इंस्टीट्यूशनल होगा, उसको हमने ऑफिस बियरर्स कहा है। तो एग्जीक्यूटिव कमेटी को हमने EC लिखा है, तो तीन ग्रुप्स हैं वो मैंने आपको बता दिए थे। अच्छा फिर इसमें बाय इलेक्शंस के अगर कोई प्रेसिडेंट या जो है ना वाइस प्रेसिडेंट या कोई एक मेंबर जो है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी का वो बीच में जो है ना छोड़ देता है, तो
तो उसको उसके लिए क्या होगा, उसके लिए उसको हमने बायोलेक्शन में डिस्कस किया। हमने हर ऑफिस बेयरर की जो है ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी हैं। अब आप देखेंगे प्रेसिडेंट की ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि सेक्शन वन से स्टार्ट हो गया सेक्शन टू, सेक्शन टू के बाद सेक्शन थ्री गायब हो गया, सेक्शन फोर, ये सारी जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और ठीक ठाक हमारा जो प्रेजिडेंट होगा ना, अपने अगर समझे पावर समझे तो ठीक ठाक पावर में जो है ना प्रेजिडेंट होगा। अच्छा, फिर ड्यूटीज ऑफ ट्रेजरर या रजिस्ट्रार, ये अपने डोमेन में बहुत पावरफुल पोजीशन होगी और जब जो इलेक्शन कंटेस्ट होंगे उस वक्त जो है ना इस पोस्ट के लिए काफ़ी जो है ना ज़्यादा लॉबिंग होगी क्योंकि पैसा इसी के पास है, जिसके पास पैसा है उसके पास सब कुछ है। अच्छा, ये ठीक ठाक आपने कहा एज ए रजिस्ट्रार और एज ए ट्रेजर दोनों रोल्स हैं इसके। फिर एक ड्यूटीज ऑफ एडवाइजमेंट, आपको कहा था कि वो स्पेशल एडवाइजर रख सकता है, तो हमने कहा कि तीन एडवाइजर रखता है। अब उसकी हमने क्राइटेरिया इसको हमने वजह किया कि इसकी क्या क्राइटेरिया होगा। फिर एग्जीक्यूटिव कमेटी, अब देखें हमने कहा था सेंट्रल या हार्ट इसका ना वो एग्जीक्यूटिव कमेटी है, ठीक है। तो वो हमने कहा तो वो अपने डोमेन में ठीक ठाक एक पावरफुल जो है ना कमेटी है, तो उसके जो है ना है वो मतलब ठीक ठाक गिरा सकती है। हाँ, इसमें एक मैं एक जो बहुत अहम जो चीज़ है ना मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, उसमें देखें सेक्शन वन से लेके सेक्शन सिक्स तक ठीक ठाक इसके जो है ना पावर्स हैं। अब आप देखें सेक्शन, अब आप सेक्शन फाइव सब क्लास फाइव पे आ रहे हैं आप, अगर सेक्शन फाइव सब क्लास फाइव में, तो अब ये हुकूमत गिराने वाला तरीका है, ये हमने आर्टिकल 58(2)(b) दिया है यहाँ पर हमारा अपना। तो कोई भी मशन, कोई भी इशू होता है या मोशन होता है जो कि उस कोई भी मेंबर समझता है ना एग्जीक्यूटिव कमेटी की वो डिस्कस होना चाहिए, तो वो जो है ना उस मोशन को मूव करता है। तो पहले जो 12 लोग हैं ना वो बैठ के ये डिसाइड करेंगे यार ये मोशन होल्ड करता है या नहीं, ठीक है ना। उस पर बाई शो ऑफ हैंड्स के थ्रू जो है ना एक रैंडम सी वोटिंग होती है, उसके बाद जो है ना वो इशू डिस्कस होता है, ये जनरल जो है प्रिंसिपल है। अब मामला सीरियस उस वक्त, अच्छा इसके ये जो एक जनरल केस है यानी कि कोई भी जनरल इशू डिस्कस हो, उसमें जो है ना उस जो एग्जीक्यूटिव कमेटी को हेड कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट कर रहा है, ठीक है। अब एक ऐसा मोशन मूव होता है जिसमें वो मोशन जो है ना प्रेसिडेंट के अगेंस्ट होता है, जिसको आप कहते हैं नो कॉन्फिडेंस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो भी। तो अब क्या होगा जब जिस जो सदर के खिलाफ ही जो है ना नो कॉन्फिडेंस मूव हो गया है, तो वो खुद उसका वो प्रिजाइड तो नहीं करेगा। हमने उसमें कहा यार कि अगर सदर के खिलाफ हो गया है तो वो रजिस्ट्रार जो है ना उसको प्रिजाइड करेगा, ठीक है। क्योंकि हमने कहा प्रिजाइड रजिस्ट्रार एक इलेक्टेड मेंबर है, वो अपनी अलग पावर्स है, वो जो है डिपेंडेंट नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर। अच्छा यार, जिसको ट्रेजर करता है, अगर वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ होता है तब भी प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। अच्छा हाँ, अगर प्रेसिडेंट के वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ मूव हो रहा है और बाय डिफॉल्ट हमने पहले ये एस्टेब्लिश किया हुआ कि प्रेसिडेंट की गैर मौजूदगी में जिम्मेदारी किसके पास है, वाइस प्रेसिडेंट के पास है ना। तो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ मूव हो रहा है, चेयर तो करना था प्रेसिडेंट ने, लेकिन प्रेसिडेंट छुट्टी पे गया हुआ है या नहीं, ठीक है, तब क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है ना रजिस्ट्रार जो है ना इसको प्रिजाइड करेगा या ट्रेजर है जिसको आपने कहा, जो भी हमारे डिसीजन होंगे वो 2/3 मेजोरिटी से होंगी। अच्छा, ये एक पॉइंट था एक्सप्लेन करना था। अच्छा हाँ, जनरल बॉडी की तरफ, जनरल बॉडी ये इस मुराद है कि वो तमाम कैडेट्स या वो तमाम लोग जो कि कैडेट कॉलेज में 2 साल जो है ना गुजार चुके हों। अब हमारे मिनिमम 2 साल, कुछ ऐसे कैडेट्स होते हैं जो मसलन आते हैं 8th क्लास में, फिर मैट्रिक में जो है ना वो किसी और कॉलेज में चले जाते हैं मैट्रिक के बाद। कुछ ऐसे आते हैं जो मैट्रिक में आते हैं और SSC हमारे पास गुजार लेते हैं, SSC तक हमारे पास होते हैं, तो वो जो है ना वो सारे भी जो भी कम से कम 2 साल उसने जो है ना गुजारे होंगे। अब जो एग्जीक्यूटिव जो आपकी जो लेजिस्लेटिव कमेटी है ना वो डिसाइड करे यार कि क्या आया जो एक्सपल्जन जिनकी हुई हैं उनको मेंबर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो वो जो है ना हमने छोड़ा हुआ है, आप बोलो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। फिजिकल अफेयर्स इसमें जुर्माना और हमें हाँ ये देखो प्रेसिडेंट जो है ना को पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अब ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे यार कितने पैसे देने पड़ेंगे। हमने लिखा यार कि प्रेसिडेंट जो है ना सालाना फीस 5,000 रुपये जमा कराएगा, वाइस प्रेसिडेंट जो है ना 4,000
एग्जीक्यूटिव कमेटी सिर्फ, ठीक है, वो 2000, बाकी जो जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं उसमें सब हम हैं, उनको जो है ना हमने अभी तक कुछ नहीं रखा हुआ है। एक प्रोविजन है वॉलंटियर की ना, जनरल बॉडी मेंबर्स जो है वो वॉलंटियर होते हैं। हाँ, ये चीज़ डालना चाहिए, तो वो जो है ना वॉलंटियरली जितना पैसा डाल सकते हैं डालें, अदरवाइज हमने कोई इधर